माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहोगे? हाँ जी बढ़ गया है, यही को कहना चाहूंगा मैं तो। हमारी वाहिद एक पाकिस्तान टीम है जो सिर्फ जीत की तरफ जाते हैं, उनको खौफ होता है कि हम हार जाएंगे। अब मैं तो बाबर को ये मशवरा दूंगा कि भाई शादी ना करवाई, तेरी मेहरबानी शादी ना करवाई, जो जो भी खिलाड़ी शादी करवा रहा है वो बढ़ी जा रहा है। भाई बाबर आजम कप्तान है इस वक्त, उसने दो बॉलरों को अमर को और नसीम शाह को निकाला हुआ बाहर। ऐसी बात है, उन दोनों अगर बॉलरों को शामिल करते बीच में फखर जमान को खिलाते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहोगे? मैं ये कह सकता हूँ निकल ही जाए पाकिस्तान, छोड़ दे क्रिकेट। मैं हूं दिमेंगो, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूं जो करते नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हस्बे रिवायत पाकिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस रही और वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इस बात की खुशी पाकिस्तानी टीम के शरीकों को हुई है, वो भंगड़े डाल रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर हो गया। पता नहीं कौन से गंदे काम करते रहे, गलत काम करते रहे, जो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। तो लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं? पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहोगे? हाँ जी बढ़ गया है, यही को कहना चाहूंगा मैं तो। भजन देखे, दूसरी टीमें खेलती है ना, सबसे पहले वो रन रेट के मुताबिक चलती हैं। हमारी वाहिद एक पाकिस्तान टीम है जो सिर्फ जीत की तरफ जाते हैं, उनको खौफ होता है कि हम हार जाएंगे, और ज्यादातर ऐसे ही होता है, हम हार जाते हैं। गोरे जो है ना वो भजन रन रेट एक एक चीज नोट करके खेलते हैं वो। तो क्या इनको मसला है? इतने मेंटली तौर पर कमजोर हैं, इनके पास वो साइकोलॉजिस्ट भी होता है, सारे लोग होते हैं, पूरी टीम होती है, फिर भी ये इतनी चवले मारते हैं। आप देखें ना इमाम उल्लाह का कहना क्या था लास्ट इंटरव्यू में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बोनविटा वगैरह हम पीते। उसको तो टीम में नहीं होना चाहिए उस बंदे को, इतनी को बड़ी पर्ची है ना वो, यकीन जाने के उस बंदे ने। वो आम बंदा नहीं है। मैक्सवेल ने कहा है कि मैं बैटिंग से इंस्पायर हूं इमाम उल्लाह से। हाँ जी बिल्कुल, वो इंस्पायर है, उसकी तरह नहीं खेलता वो ये कहना चाह रहा था वो। बाकी पाकिस्तान बाहर हो गया है, हार्ड लक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तैयारी करके आएंगे। ये बात हमेशा ही हम कहते हैं, तो बस और क्या कर सकते हैं हम। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान टीम को बैन कर दिया जाए, खत्म कर दें यार, जिस बातों से खेल रहे हैं, हार्ट अटैक आने वाले होते हैं लोगों को यार। खत्म करके फिर ये लोग क्या करेंगे? फुटबॉल खेलने और क्या करेंगे, इसमें तो कुछ हो नहीं था, शायद फुटबॉल में अच्छा कर लेंगे। फुटबॉल भी इन्होंने गोल अपनी तरफ कर लेना, कहना जी दूसरी टीम में हमें करने नहीं देती। आप देखिए आज मैं ही लगा हुआ जो पाकिस्तान और उसका इंग्लैंड का हारिस रऊफ, यार इतना तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तेरी इतनी पेस है, तू उसको बैट्समैन के ऊपर से गुजार दे रहा, वाइड के चौके दे रहा है यार, कोई है तो। आज उन्होंने अच्छे रन रेट से जीतना था, मुझे लगता है इंग्लैंड अच्छे रन रेट से जीतने आया हुआ है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह करे आज बाबर शो करे, क्योंकि हमारा वो सबका फ्यूचर है, एक बाबर शो कर दे और एक अब्दुल्ला कर दे। बाबर की तो कैप्टनसी अब खत्म है ना, देखिए उससे कैप्टनसी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, किंग है वो, सीधी सी बात है, उसको सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहेंगे शिदरे दा कहेंगे पतोगी दा कहेंगे केड़ा कहेंगे, देखिए वर्ल्ड नंबर वन रहा वो 927 दिन छोटी टीमों के खिलाफ रन करके, ये कोई बात नहीं, छोटी टीमों को न्यूजीलैंड भी बीच में ही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उसने स्कोर देखिए। रैंकिंग मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है, सीधी सी बात है, रैंकिंग मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। शाहीन अफरीदी साहब आए थे पहले पे, वो आज पांचवे पे हैं ब्याह करके शादी। अच्छा मैं तो बाबर को ये मशवरा दूंगा भाई शादी ना करवाई, तेरी मेहरबानी शादी ना करवाई, जो भी खिलाड़ी शादी करवा रहा है वो बढ़ी जा रहा है। आप शाहीन देख लें, आप रऊफ देख लें, आप हसन देख लें, अब इमाम की तैयारी इंशाल्लाह वो तो नहीं होंगे, तो ब्याह होना चाहिए, तो पांच चार ब्याह होने चाहिए, क्योंकि गिट्टियां गोड़ियां च दर्द रहनी चाहिए, उठे ही ना। नहीं इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो टीम में नहीं आएगा, क्योंकि इमाम चला गया। टाइम ही हुआ यार, मोहम्मद हारिस है, जमान खान है, ये इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं यार, अब यंग लड़कों को मौका दें, आप किधर से बाबों को खिला रहे हैं? नहीं इनसे खेला जाता तो नवाज शरीफ भी है। हाँ जी नवाज शरीफ माशाल्लाह, वो उसने कहता है इमरान खान को मैंने छक्के मारे हुए हैं, इमरान खान कहता है मेरे सामने नहीं कभी खेला ये। इस तरह की बातें होती रहती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी है, हर किसी ने खप डाली हुई है, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे इस बारे? भाई बाबर आजम कप्तान है इस वक्त, तो उसने दो बॉलरों को अमर को और नसीम शाह को निकाला हुआ बाहर और बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तानी टीम का। जी हाँ ऐसी बात है, उन दोनों अगर बॉलरों को शामिल करते बीच में फखर जमान को खिलाते तो इस तरह की नौबत नहीं आती। अब बाबर आजम को भी सुकून है, बाहर हो गए। जी जी और सुकून होना ही है उनको। हाँ यारों दोस्तों को शामिल किया, पर्चियों को शामिल किया, आप कैप्टन का यह हक होता है अगर जाए भी तो तकरीबन कम से कम 100 स्कोर लाजमी बनाकर आता है। हर मुल्क का कैप्टन 100 स्कोर लाजमी, 70-80 पूरे बाबर आजम 20-30-11 हद 30 है बस, इससे आगे नहीं। छोटी टीमों के खिलाफ तो बनाता है रन्स। हाँ छोटी टीमों के खिलाफ रन्स बनाता है, और इस वर्ल्ड कप में पता नहीं इसको क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ बॉलरों की वजह से, उस फखर जमान की वजह से ये नौबत है, ये वरना ये नौबत नहीं आती आज। इन सबको टीम से निकालना चाहिए ना। बस यार ऐसे ही लगा लें, तकरीबन अच्छे प्लेयर है सब, इसमें 2-3 प्लेयर ऐसे है जो इन्होंने नहीं खिलाया, उसकी वजह से इस तरह की नौबत आई अभी तक। बच्चे ले गए इमाम उल हक,
उसे नहीं निकाला बाहर। उसके जोन सा है ना इंजमाम का भतीजा है, जमाम का भतीजा है, इसलिए अगर फखर जमान को किसी जगह पर खिलाया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। क्रिकेट देख रहे हो? देख रहा हूँ। मायूसी हो रही है? और क्या, हो ही रही है, ऐसी बात है। गुस्सा आ रहा है? गुस्सा भी आ ही रहा है, पाकिस्तान कर क्या रहे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, क्या कहोगे? मैं ये कह सकता हूँ निकल ही जाए पाकिस्तान। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान छोड़ दे अब क्रिकेट। छोड़ दे क्रिकेट? तो क्या करे, कुलचे लगा ले या चने का नाश्ता लगा ले? चनों का नाश्ता लगा ले या अमरूद लगा ले या रेडियो पे सूट बेचा करे? और ये सर्दियाँ आ रही है, यखनी बेचा करे? ये सही है, इनको चाहिए कि खेले ना, कौम को मायूस ना करें, ये छलियां लगाने के काबिल रह गए अभी। लोगों के आपने व्यूज सुने वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस हमेशा ही बुरी रही है और आगे भी बुरी रहनी है, फिर भी वो बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। तो ये था आज का शो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर एक नए शो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन खुश रहें अपने खर्चे पे।